आज मैं पहली बार एयरपोर्ट पे गई। ये सब चीजें देख के बहुत अच्छा लग रहा था। जब एरोप्लेन में बैठा तो मेरी मम्मा बहुत एंजॉय कर रही थी। पूरी जिंदगी की आज सबसे बड़ी खुशी के दिन था। जब से वो शो में गया है, लोग मुझे सेलिब्रिटी के पापा हैं, सेलिब्रिटी ऐसे लोग कहते हैं, तो बहुत खुशी होती है। जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, आज वो लोग भी आए थे। जिस कंपनी में रहता था उस कंपनी के मालिक दिवांश को देखने के लिए आए, और मतलब इतनी इज्जत, इतना प्यार, सम्मान उन्होंने दिया, ये देख के मतलब बहुत खुशी होती है। हम इसको बचपन से देख रहे हैं, जब ये क्रॉलिंग करता था। दिवांश हमारे फैमिली की तरह है, हमारे फैमिली का एक छोटा सा बच्चा है जो इतना बड़ा नाम किया उसने हमारा, अम्बाला का, सबका। डांस दीवाने की वजह से मुझे दिवांश के गांव जाने को मिला और उसका घर देखने को मिला, और सभी लोगों का प्यार देकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा ही घर है। मुझे दिवांश के नानी का हाथ से गाना गाकर सच में मेरा नानी को ही देख रहा हूँ ऐसे फील हो रहा था। दादी समझ के हर साल साड़ी लेके आया, बहुत अच्छा लगा, और हरदम रहा बेटा मैं उसकी दादी। जब दीवान सपने देखता था मेरे लिए, मैम अगर मैं ये शो जीतता हूँ ना, सबसे पहले मैं अपने मम्मी के लिए ना एक एक्टिवा कर दूंगा। मैं सोचती थी कैसे करेगा ये। उसके फेस पे इतना ज्यादा स्माइल था कि जैसे लगता था पता नहीं क्या ये जीत लिया है, और गर्व होता है अपने बेटे के ऊपर कि दिवांश जैसा बच्चा हमें मिला। दिवांश को बचपन से हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए देखा है, उसकी पूरी जर्नी देखी है। उसको देखते हुए हमारे घर के बच्चे भी प्रेरित हुए हैं, और हम उसके ऊपर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। उसने अपने सपने को पूरा किया, और उस सपने को देखने के लिए पूरा अम्बाला उसका इंतजार कर रहा था। अब हमारा एक ही ख्वाहिश है कि दिवांश ने जो सपना देखा था अपनी डांस दिवानी की ट्रॉफी जीतने का, वो पूरा कर ले। भगवान से दुआ है दोनों नाती मेरा ट्रॉफी जीत गया। अभी हमको सिर्फ इंतजार है वो डांस दिवाने का ट्रॉफी जीतकर दिवांश के घर पर वो जगह बनाए ना उधर रखने के लिए। शनिवार रविवार रात 9:30 बजे।